सब्सक्राइबर अगर आपका नया, अगर आप नया यूट्यूबर हो तो आपके पास सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा कम रहता है, इतना सब्सक्राइबर कम रहता है कि आपको मतलब इतना टेंशन रहता है कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 का वॉच टाइम कैसे बनाएं। जो नया यूट्यूबर है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या 1000 सब्सक्राइबर और 4000 का वॉच टाइम, मतलब एक टारगेट है, मतलब एक टॉप, एक मतलब स्टेप, मतलब ये है कि नया यूट्यूबर के लिए ग्रो करने के लिए। और जो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको रेगुलरली मेंटेन करना पड़ेगा। आपने एक वीडियो आज बनाया, एक वीडियो एक महीने बाद बनाया, तो ऐसे नहीं चलेगा, आपको वीडियो रेगुलरली जो मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरा जो चीज़ है, आपको ट्रेंडिंग टॉपिक की, मतलब ट्रेंडिंग टॉपिक या तो यूनिक टॉपिक का वीडियो बनाना पड़ेगा। कोई कोई ट्रेंडिंग टॉपिक क्या है, 2-4 दिन चलता है फिर बंद हो जाता है, लेकिन आपको एक यूनिक ऐसा टॉपिक वीडियो बनाना है जिसका आपका वीडियो बहुत ज़्यादा यूनिक हो सकता है, आपको ऐसे वीडियो बनाना पड़ेगा। और तीसरा जो ट्रिक है वो आपको क्या है, आपको सब्सक्राइबर ज़्यादा व्यूज़ पे मतलब फोकस करना पड़ेगा। आपके पास अगर व्यूज़ आएगा तो सब्सक्राइबर आ जाएगा। तो व्यूज़ का आने का तीन तरीके जो है, तीन बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका है जैसे आपका व्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छा, तीन तरीके क्या है, आपको ब्राउज फीचर में वीडियो जाने के लिए। ब्राउज फीचर क्या होता है, आप जो पेज खोलता है ना वीडियो का, यूट्यूब चैनल ओपन किया उसमें जो पेज आता है फास्ट, वो है ब्राउज फीचर्स। आपके पास अगर वो ब्राउज फीचर का वीडियो अगर चला जाएगा तो आपका वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो सकता है। और ब्राउज फीचर अगर आपका वीडियो चला गया तो उस टाइम क्या थंबनेल बहुत ज़्यादा अच्छा लगाना चाहिए। आपके पास थंबनेल अच्छा लगा तो आपका ब्राउज फीचर में मतलब जाने का फ़ायदा है। अगर आपका वीडियो ब्राउज में चला गया तो आपका थंबनेल अच्छा होना चाहिए, फिर आपका फ़ायदा है कुछ, मतलब आपका थंबनेल देख के वो लोग क्लिक करेगा। दूसरा तो तरीका है वो है सजेस्टेड वीडियो। आपका वीडियो अगर सजेस्ट में चला गया, सोच लीजिए अगर कोई बड़ा मतलब क्रिएटर उसका वीडियो चल रहा है, उसके नीचे आपका वीडियो सजेस्ट कर रहा है, तो उस टाइम से आपका वीडियो व्यूज़ आ सकता है। तीसरा जो है यूट्यूब शार्ट्स वीडियो, यूट्यूब शार्ट्स से भी वीडियो बहुत ज़्यादा मतलब यूट्यूब में कोई वीडियो सर्च किया आपका वीडियो आया तो उसमें से भी बहुत ज़्यादा मतलब व्यूज़ आ सकता है। तो आपको करना क्या है, आपको करना है कि आपका व्यूज़ तो पहले आना लेकर आना चाहिए, उसके बाद वीडियोज़ में आपको ऐसे बोलना चाहिए कि वो लोग वीडियो देख के मतलब वो लोग सोचता है कि हाँ इसके बोले बहुत अच्छा लगा, फिर इसको सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों पहले आपको बोलना नहीं चाहिए कि सब्सक्राइब करो, आपको जो मेन आपका टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में से बात करिए। बात करने के बाद आपको लास्ट में एक बार बोलिए कि मेरे चैनल में आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो आपको मिल जाएगा, या तो लेटेस्ट कुकिंग वीडियो मिल जाएगा। आपका जिस तरीके से मतलब टॉपिक है उस पर बात करके बोलना चाहिए, क्योंकि व्यूअर्स जो है कभी कभी भूल जाता है कि सब्सक्राइब करना है। आपका वीडियो तो अच्छा लगता है उनको, लेकिन भूल जाता है कि इनको सब्सक्राइब करना है, तो आपको ऐसे करके सब्सक्राइब करने के लिए बोलना चाहिए लास्ट में। तो आपका वीडियो आपकी व्यूज में भी चला, मतलब आपका वीडियो ब्राउज फीचर में भी जाएगा और इसमें भी जाने के बाद आपको अगर व्यूज में आ जाएगा, आपको बोलेगा अच्छे से, तो आपका सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा आ सकता है। और दोस्तों चौथा जो तरीका है वो है दोस्तों आपको मतलब कोई कोई क्या सोचता है कि एक मतलब कोर्स खरीद लो, ये कोर्स मतलब बहुत ज़्यादा 99 के कोर्स है, 299 के कोर्स है, 3000 के कोर्स है, ऐसे कोर्स आपको खरीदना नहीं चाहिए। ऐसे कोर्स में आपको कोई यूट्यूबर नहीं बना देता है दोस्तों। अगर आप कोर्स खरीद लिया सोच लिया कि आपको यूट्यूबर बन जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है आपको। आपके पास एक्सपीरियंस फर्स्ट होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यूट्यूबर बन सकता है, मतलब आपके पास यूट्यूबर है एक्सपीरियंस अगर थोड़ा सा होगा तो आप मतलब व्यूज मतलब आपका वीडियो जो वायरल हो सकता है, चैनल ग्रो हो सकता है। तो आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत होता है, कोर्स की ज़रूरत नहीं होता है। और दोस्तों कभी कभी कोई ऐसा करता है कि सब्सक्राइबर खरीदता है, सब्सक्राइबर सोच ले बोल रहे हैं 100 रुपीज में सब्सक्राइबर है मिल जाएगा तो खरीद लो, ऐसा नहीं खरीदना है आपको। सब्सक्राइबर जो है जेन्युइन सब्सक्राइबर बनाना पड़ेगा। खरीद के सब्सक्राइबर में कितने दिन चलेगा दोस्तों, सब्सक्राइबर खरीदने नहीं चाहिए आपको, सब्सक्राइबर मतलब जेन्युइन सब्सक्राइबर बनाना है। तो फ्रेंड्स आपको अब सोचता हूँ कि समझ में आया कि सब्सक्राइबर करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए नया अगर यूट्यूबर हो तो। जो जिसके पास मतलब 1 मिलियन सब्सक्राइबर है वो अगर नया चैनल क्रिएट करेगा तो उसके पास मतलब बहुत ही जल्दी उसका चैनल ग्रो कर जाएगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं होगा। आपको अगर नया यूट्यूबर हो तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको कैसे करेगा, आपको इन तरीके को मतलब फोकस करके आपको सब्सक्राइबर बढ़ा सकता है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही था, आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, और वीडियो में क्या क्या फॉल है कमेंट करके बताना, क्या क्या मतलब आपको अच्छा लगा वो भी कमेंट करके बताना। और आप मेरे चैनल में अगर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो एंड यूट्यूब वीडियो आपको जरूर मिलने जाएगा। मिलते दोस्तों अगले वीडियो में, बाय बाय।